अपनी मेहनत की कमाई अपनी मेहनत की कमाई होती है, तो वो मुझे ज़्यादा खुशी मिलती है। उससे ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट है इस बात का कि चलो मैं इंगेज रहती हूँ, मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लॉग्स विद शुक्ला। एक स्मॉल टाउन की लड़की कैसे अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया, इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए हम देखेंगे सरिता के बारे में। हाँ, नमस्ते, मैं सरिता एक ब्यूटिशियन हूँ। सरिता, आपके बारे में बताओ, आप कहाँ की हो? हाँ, मैं बिहार से हूँ। मैम, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। आपके हस्बैंड क्या करते हैं और फैमिली के बारे में बताओ? मेरे हस्बैंड सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में हैं। मैम, हमारे दो बच्चे हैं, एक फाइनल ईयर बीटेक कर चुका है और दूसरा वाला सेकेंड ईयर 12th क्लास में है अभी। आपको देख के नहीं लगता कि आपका नहीं मैम है, हमारे दो बेटे हैं। हाँ, हो सकता है, ये भी हो सकता है। पार्लर और घर कैसे चलाते हैं दोनों साथ? रूटीन बनाई हुई हूँ जो डेली मैं उसके अनुसार सारा काम करती हूँ। मॉर्निंग में जल्दी उठना है, हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाना है, वो चले गए फटाफट सारा काम घर पे, मतलब मैं तो सारा काम करती हूँ। टाइम से हो जाती है मैम, 10 बजे मैं रेडी हो जाती हूँ। वो मैम मैनेजमेंट है मैम, वो मैं कर लेती हूँ अपने आप, सारा चीज़ मेरा हो जाता है। हस्बैंड को भी टाइम पे देना करना, ऐसा नहीं है कि तुमने मुझे क्यों नहीं दिया, ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं टाइम से सारा काम उनका करके देती हूँ। फैमिली का सपोर्ट कितना रहता है? बहुत ज़्यादा, बहुत हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं, बहुत हेल्प करते हैं। तभी तो मैं आ पाती हूँ, नहीं तो फिर कहाँ संभव थी हमारी। जैसे पार्लर का, जैसे आपको कुछ सामान खरीदना होता है, कैसे मैनेज करते हैं सामान के लिए? मैम, मैं खुद जाती हूँ क्योंकि हस्बैंड को समझ में नहीं आएगा क्या लेके आएंगे नहीं लेके आएंगे, इसके लिए मैं उनके साथ जाती हूँ साथ में। फिर उनके अनुसार मैं लेती हूँ, जो मुझे अच्छी प्रोडक्ट दिखती है, नहीं ये मेरे पार्लर में चलेगा और अच्छा है, लाना चाहिए मुझे, वो मैं लेके आती हूँ। अच्छा, इसका मतलब हस्बैंड आपको हेल्प करते हैं? हाँ हाँ, हस्बैंड करते हैं। हाँ, करते हैं मैम वो। और एक बात है, ये जो बिजनेस है पार्लर का बिजनेस, ये कितना मतलब प्रॉफिट में पूछूंगी नहीं आपका कितना होता है, आपको लगता है आप जितना इन्वेस्ट करते हो उससे ज़्यादा आपको मिलता है? हाँ मैम, वो तो है मैम, मेहनत भी है हमारी तो मिलना भी चाहिए, ऐसा नहीं इतनी मेहनत भी करती हूँ तो होता है मैम। तो मैं पूछना चाहती हूँ, जितना मेहनत करते हो उससे ज़्यादा मिलता है या नहीं? नहीं, मिल जाता है मैम। अच्छा सरिता, आपके क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए। मैं BA पास हूँ मैम, मैंने एंटिटी कोर्स कर रखा है और मैं, मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस भी है टीचिंग का। अच्छा। मैं दिल्ली में पढ़ाती भी थी उधर। टीचिंग छोड़ के फिर आपने कैसे पार्लर जॉइन किया? इंटरेस्ट की बात है मैम, जैसे मुझे इंटरेस्ट है तो टीचिंग के लिए मैंने नागपुर में अप्लाई किया था, पर इधर अभी सीट खाली नहीं होने की वजह से मैं सोची बैठी रहूँगी, इससे तो चलो जो मुझे आती है वो क्यों ना मैं यूज़ करूँ। पार्लर का भी अपने कोर्स? हाँ, मैंने कोर्स कर रखा है। हाँ हाँ, तो इसलिए मैं सोची बैठे रहने से अच्छा है चलो कुछ ना कुछ किया जाए, इसलिए मैंने पार्लर ज्वाइन कर लिया। हॉबीज क्या है? हॉबीज मैम, पेंटिंग करना मुझे बहुत पसंद है। हाँ, पेंटिंग कौन से? मैंने फैंसी आर्ट भी सीख रखा है, मैं बहुत अच्छे से बोर्ड भी बनाई हुई हूँ और फैब्रिक पेंटिंग भी मुझे आती है कपड़े पे करने के लिए, वो भी मैंने सीखा है, वो भी मुझे बहुत अच्छी आती है। हाँ, पेंटिंग मुझे मतलब बहुत अच्छी लगती है पेंटिंग करना, मिथिला आर्ट जो बोलते हैं वो भी मुझे आती है। बिहार के? हाँ हाँ, मधुबनी। हाँ, मधुबनी आर्ट भी मुझे आती है। जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हमारा सराउंडिंग कितना हेल्प करता है, जो एक दूसरे को देख के हम लोग जो सीखते हैं, ये सब कितना आपका, आपने फील किया होगा आप जब बिहार में थे, अभी हम लोग जो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, आपका डेवलपमेंट कितना हुआ? काफ़ी मैम, काफ़ी हुआ है। मैं जहाँ भी गई हूँ दूसरे को देख देख करके ही मुझे लगता नहीं मुझे भी आनी चाहिए वो चीज़, तो मुझे बहुत पसंद है। कहीं भी जाओ, कुछ भी नया चीज़ देखती हूँ तो लगता है कैसे मैं उसको सीख लूँ, मुझे आनी चाहिए वो चीज़। तो सीखने का बहुत शौक है मैम, कुछ भी हो, कहीं का भी हो, न्यू देखती हूँ तो लगता है मैं सीखना चाहिए मुझे। बड़ी बात है आप आत्मनिर्भर बन रहे हैं। हाँ मैम, अपने आप को बहुत बड़ी है। हाँ वो तो है मैम, वो आप हमेशा चाहते थे, शादी से पहले आपको पता था कि आपको वर्किंग वूमेन रहना है, काम करना है?
ऐसा नहीं था मैम, ऐसा नहीं था शादी के पहले कि मुझे कुछ करना पड़ मतलब मुझे करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मेरे हस्बैंड बाहर, इनकी सर्विस ऐसी है जो बाहर हर जगह मुझे घूमना पड़ता है, जाना पड़ता है, तो दूसरों को देख करके भी थोड़ा लगता है नहीं यार करना चाहिए, घर पे बैठे रहने से अच्छा है कि चलो कुछ ना कुछ किया जाए। तो देख करके भी होता है मैम, दूसरों को देखने से भी लगता है कि नहीं मुझे भी कुछ करना है। तो इससे मैम मैं ज़्यादा प्रेरित हुई हूँ कि नहीं जब टाइम है तो क्यों ना मैं कुछ ना कुछ किया जाए, तो इसलिए मैम सोची कि नहीं कुछ ना कुछ करती हूँ। और क्या, कितना हेल्प करते हो हस्बैंड को फाइनेंशियली? नहीं लेते, वो बोलते हैं तुम अपना जो करती हो अपना एंजॉय करो, वो लेते ही नहीं है मेरे से, बोलते तुम अपने खुशी के लिए कर रही हो तुम अपना समझो, मुझे नहीं। आपको कितना अच्छा लगता है? मुझे तो बच्चों को देते हो? हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है मैम, क्योंकि अपनी मेहनत की कमाई अपनी मेहनत की कमाई होती है, तो वो मुझे ज़्यादा खुशी मिलती है। उससे ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट है इस बात का कि चलो मैं इंगेज रहती हूँ, मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। पैसे से ज़्यादा महत्व तो मेरे के लिए इंगेज रहना है, ये है। पैसे की तो जरूरत इतना हाँ नहीं, नहीं है लेकिन हम लोगों को लगता है इंगेज, हाँ सेल्फ डिपेंड रहे, इंगेज रहे, थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो घर में बैठे रहने से अच्छा है क्या कुछ ना कुछ करते रहें। तो मुझे तो लगता है मैम काम करने से अपनी हेल्थ भी और जो बोलते हैं तबीयत वबीयत भी ठीक रहती है, घर में रहो तो टेंशन भी होती है, कुछ ना कुछ हम लोग सोचते रहते हैं, और इंगेज रहने से क्या होता है क्या हम इस बारे में सोच नहीं पाते हैं। तो ये मुझे तो ये ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मैं जब आई थी नागपुर तो मैं बीमार हो गई थी आने के बाद, क्योंकि घर में रह रह के, और जब से मैं इधर पार्लर ज्वाइन की हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी मेरी तबीयत भी बहुत बिल्कुल सही है, क्योंकि सोचने का मुझे टाइम नहीं मिलता है कुछ भी, इंगेज रहती हूँ तो सही है, मैं बहुत खुश हूँ। चलो इंगेज। आपके घर में आपके पेरेंट्स कितना खुश हैं आपको जब करते हो देख के, उनको कितना अच्छा लगता है? अच्छा लगता है मैम कि चलो बैठी नहीं है, इंगेज है, कुछ ना कुछ कर रही है। जैसे मैं इंगेज हूँ तो और भी फैमिली में होते हैं ना कि अरे देखो यार वो कर रही हैं, तो उनको भी लगता है मैं भी कुछ करूँ। तो ये है मैम, सीखते हैं अगर कोई फैमिली में कोई कुछ कर रहा है तो एक दूसरे से लगता है कि नहीं वर के, हाँ मैं भी कुछ करूँ, ऐसे है। आप भी सबके लिए इंस्पिरेशन बन गए। थैंक यू मैम। आपका हॉबी ये है ना ड्राइंग? आपका ड्राइंग मुझे सच में बहुत सुंदर है, सो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर बना है। अरे इसके ऊपर क्या कलर लगा रहे हो? फैब्रिक बहुत सुंदर है, ये बनने के बाद बहुत सुंदर है। इस दुपट्टे के ऊपर भी आप करते हो? इसी पे चीज़ है मैम, साड़ी में भी कर सकती हूँ, दुपट्टे पे भी, बेडशीट हो गया, ये पीलो को मैं करते हैं। Thank you so much for watching the video. Stay always healthy and happy. God bless. Thank you so much.